नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अतुल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज में तमारु स्वागत है। मित्रों, आज बीसीआईटी और एफसीएना प्रेक्टिकल सेशन में आप मल्या छे। आज आप स्टार्ट करीशू एमएस ऑफिस एक भाग है, यू नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बहु खास जरूरी है, मैं आगे प्रीवियस एक प्रेक्टिकल सेशन में कीधु तू कि जयरे कोई ऑफिस में काम करता होने खास कोई कचेरी हो ज्या बिजनेस रिलेटेड क्राइटेरिया हो, जहाँ एकाउंटिंग काम हो, त्यां एक्सेल शीट बहुज उपयोग थत हो। आप नॉर्मली बात तो सांभते कि जीएसटी जुयू ने प्रॉफिट और लॉस, खास जो बैंकिंग सेक्टर में जोड़ेला है मित्रों, अथवा जेने जोड़वा इच्छा हो बैंकिंग बाजू में, अथवा कोई कंपनी की अंदर एकाउंटिंग में जॉब की इच्छा हो, तो एक्सेल शीट ए बहु प्रायोरिटी वाली वस्तु है, नड़े तो चालू नहीं। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जीशू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो एमएस ऑफिस बहुत इम्पोर्टंट भाग है। आप स्क्रीन समक्ष जीशू जो मित्रों, अँ स्क्रीन तमने प्रॉपर देखाई रही है अत्यारे, एम क्या आ ओपन करी, हाउ टू ओपन एक्सेल, एक्सेल कई रीते खोलवी। तो जो अँ तक देखा जाए स्टार्ट मेनू कहवा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो तो बनाया तो, पर अत्य वे थोड़ू कही दो, आ तमने जो स्क्रीन देखा है अपनी भाषा में डेस्कटॉप कहवा, आ देखाने डेस्कटॉप आइकॉन्स कहवाय, आने डेस्कटॉप कहवाय। डेस्कटॉप एट अपना घर में प्रवेश करव हो तो मेन दरवाजा में थी प्रवेश थे, एम कोईपण कम्प्यूटर अंदर जय चालू करिए कम्प्यूटर तरह डेस्कटॉप देखाय, अने जे देखाय छे ना स्क्रीन पर एना आइकॉन कहेवाय, एना भाग त्यांथी तमे सरळताथी एक कम्प्यूटर अंदर जईने वस्तु जोई शको, तो मेळवी शको छो। हवे अहींया जोईशुं स्टार्ट मेनू में जवाना क्लिक करवानुं, एमां अहींया ऑप्शन छे ऑल प्रोग्राम्स, एना उपर क्लिक करवानुं, अने एमां अहींया तमने देखाई रह्युं छे आ ग्रीन ब्लू देखाय, एमां आ ब्लू में देखाय एनो छे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमां क्लिक करशो एटले आखी आ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नी दरेक आइटम्स अवेलेबल छे। एमा बीजा नंबर नी देखाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, आ एक्सेल अत्यारे भरवानो छे, जुओ देखाय छे मित्रों, अहींया जे देखाय एने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहेवामां आवे छे। अहींया आ बाजू तमे उभी कॉलम एक जोई रह्या छो, अहींथी आखी लाइन एमां वन टू नंबर छे, एक बे त्रण चार पांच छ सात असंख्य नंबर, ए पछी डिस्कस करीशुं आपणे के केटला होय। आ उभू देखाय एमां नंबर छे वन टू अप टू एंड सुधी, एनो एंड ऑफ लिमिट है कि क्या सुधी हो पछी बात करीशु। अने अहींया देखाय ने तमने, जो अहींया क्लिक करो ने थाय, हाँ त्या आ ए बी सी डी वालू छे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आम एम आगन आग चालू थशे, जुओ डन। ए पण आपणे जोईशु के एनी लिमिट क्या सुधी छे, पण अत्यारे आपणे आ जोईशु के आ उभी अहींया देखाय छे एमां ए बी सी डी लखेली छे, अने अहींया जोईए छे एमां वन टू सुधी लखेलुं छे। हवे जे अहींया हूँ आ जे ब्लेक कलर नो जो बॉक्स देखाय छे ने ऊपर नीचे थाय, एने आनी भाषा में सेल कहेवाय, आ ऊभू एने कॉलम कहेवाय, आडू एने रो कहेवाय। आ रो अने कॉलम नो वच्चे जे माध्यम बने छे ने, एने आपणी भाषा में कम्प्यूटर में एक्सेल नी भाषा में सेल कहेवामां आवे छे, आने आपणे सेल कहीशुं। ओके, आ बेसिक इन्फॉर्मेशन छे। आजे होम ऊपर काम करीशुं, आ होम ए बहु कॉमन छे, 80% એટલે 80% વસ્તુઓ જે એમએસ વર્ડમાં શીખ્યા હતા એ જ છે। આને આપણી ભાષામાં કહેવા ફોર્મેટિંગ ફ્યુચર્સ, શું ફરી રિપીટ કરું છું, ફોન્ટની સ્ટાઇલ બદલવી, ગુજરાતીમાં કે જે આપણા શબ્દ લખીએ છીએ એના જે જુદી જુદી એના સ્ટાઇલો બદલવી, આ એ છે। ઓકે, એની સાઇઝ મોટું નાનું હેન્ડરાઇટિંગને કરવા, જો એક બતાવી દો અહીંયા લખેલું છે રામ, અથવા લખું છું રાજ। ઓકે, આમાં આના એ જ સિચ્યુએશન, અહીંયા જેમ જેમ જઈશું એમ એમની સાઇઝ મોટી નાની થતી રહે છે, ડન। નોર્મલી 11 છે, બોલ્ડ કરવા હોય એને બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન, અંદર કલર એડ કરવો હોય, આનો કલર કરવો હોય, આ બધું જ આનું છે। આ જે આપણે અત્યાર સુધી એમએસ વર્ડની અંદર જે ભણ્યા હતા એ જ છે આ બધા, આ નામને લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ કરવા એમાં કોઈ નથી, આટલાથી આટલા સુધી કોમન છે। ઓકે, નવો ઓપ્શન બતાવીશ અહીંયા, આનું નામ છે મર્જ સેલ। સપોઝ અહીંયા મેં લખ્યું રાજ અને અહીંયા લખું છું હાય, હવે જો અહીંયા રાજ અને હાય બે અલગ અલગ સેલ છે, બી અને સીમાં કામ કરે છે કોલમમાં, ઓકે બી અને સીમાં કામ કરે છે। હવે આ બંનેનો હું
कॉमन सिलेक्ट करी अहीं मर्ज कर दईस। ओके तो आ राज कॉमन थई गयो डन। अने पेलू जे सेल में हतुं ए नाम जतुं रह्युं, तो सपोज अत्यारे कॉमन थई गयो आ नाम, तो बीजा कॉलम में मने एवुं लागे छे कि भाई आखी लाइन में मारा राज नाम ज आवुं जोईए, तो हुं आने आखू कॉमन करी नाखीश। तो जो आखी लाइन में वच्चे कोई लाइन छे नहीं, आखू मर्ज कहेवाय, ए करी नाख्यु। आ सीम्पल ऑप्शन छे मर्ज। ओके आ खास ध्यान राखवानुं छे। बाकी आ जे फ्यूचर रहे एना फॉर्मेटिंग फ्यूचर्स कहेवामां आवे छे, एना पछी अहींया फॉर्मेटिंग टेबल होय छे, ऑटोसम डिलीट इन्सर्ट, कोई रो इन्सर्ट करी हुआ डिलीट करी हुआ। सपोज मैं अहींया ત્રણ ચાર રો લખું છું અહીંયા જુદી જુદી, કે અહીંયા નંબર આપું છું 1 2 3 4 5 આવું કંઈક લખી દઉં છું અહીંયા। ઓકે અમારા ફોન નંબરની રો જોઈતી નથી, તો રાઇટ ક્લિક કરીને અહીંથી હું ડિલીટ કરીશ, જતી રહેશે। તો અહીંથી તમે આના ઓપ્શન અવેલેબલ છે, એમાં કટ કોપી ઇન્સર્ટ ડિલીટ એ પણ કરી શકીએ છીએ। બીજો એક ઓપ્શન અત્યારે નાનો એવો ચલાવીશ હું, કે સપોઝ અહીંયા કોઈનું લોંગ નેમ હોય, કોઈને લોંગ નેમ લખી છે, અહીંયા લખું છું કે પટેલ રાજ કુમાર। ઓકે રાજકુમાર પટેલ, રાજકુમાર લખ્યું છે સપોઝ અહીંયા, અને અહીંથી મારે બે સેલ વપરાતા એવું લાગે છે, અહીંયા બે કોલમ પર કામ થઈ રહ્યું છે, તો અહીંથી પકડીને આમ લોંગ મોટું નાનું કરી શકીશ, જેટલું જોઈએ એટલું કરી શકીએ છીએ આપણે। ઓકે અહીંથી તમે એને વિથ અહીંયા જુઓ, હું જ્યારે ઉપર નીચે લઈ જાઉં છું ત્યારે એની વિથ અને એની પિક્ઝલને એની સાઇઝ સુધી લખીને મને બતાવે છે કે તે 15 પોઈન્ટનું છે। એ રીતે તમે એને મેનેજ કરી શકો છો, આ નોર્મલ છે એક્સેલની।